करने वाली हूँ रशिया के बारे में। स्टूडेंट्स क्यों प्रेफर करते हैं रशिया की यूनिवर्सिटीज़ एमबीबीएस करने के लिए? रशिया में एमबीबीएस करने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। आपको कोई भी एंट्रेंस टेस्ट आपको नहीं देना होगा, कोई भी आईलेट्स टेस्ट आपको नहीं देना होगा, आपको नीट क्वालिफाई करनी होगी मिनिमम नीट क्वालिफाई मार्क्स से। अगर मैं बात करना चाहूँगी यूनिवर्सिटीज़ की, तो रशिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट हैं। स्टूडेंट्स हमारे ज़्यादातर प्रेफर करते हैं इन थ्री यूनिवर्सिटीज़ में। नंबर वन इज सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट पेडियाट्रिक मेडिकल यूनिवर्सिटी, एंड सेकंड वन इज रेगिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, एंड थर्ड वन इज नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और यहाँ की जो ट्यूशन फीस है वो मिनिमम $3,500 टू मैक्सिमम $5,000 है। अब बात आती है स्टूडेंट्स के क्वेरीज पे। जैसे कई स्टूडेंट्स के पेरेंट्स क्वेरीज करते हैं, स्टूडेंट्स क्वेरीज करते हैं कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा, मैथ्स में उनके बच्चों को कैसा फूड प्रोवाइड होगा, और वहाँ पर हॉस्टल कैसा मिलेगा, या फिर वहाँ पर किस लैंग्वेज में स्टडी होगी। अगर मैं बात करूँ वहाँ के एटमॉस्फेयर की, तो वहाँ थोड़ी ठंड है। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के बिल्डिंग के अंदर हो तो आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। अगर आप बिल्डिंग से बाहर हो या अदर कैंपस में अगर आप जाना चाहते हो, तो आपको स्वेटर या जैकेट कैरी करनी। अब बात आती है मैथ्स पे। मैथ्स में इजीली इंडियन फूड भी प्रोवाइड होता है स्टूडेंट्स को, इजीली टेस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर फूड प्रोवाइड हो जाता है। अब बात आती है हॉस्टल पे। यूनिवर्सिटीज़ के जस्ट 10 to 12 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही स्टूडेंट्स के हॉस्टल अवेलेबल हैं। सिक्योरिटी वाइज भी रशिया काफ़ी सेफ एंड सिक्योर कंट्री है। वहाँ के रूल और रेगुलेशन काफ़ी हाई हैं, और स्टूडेंट अपने आप को खुद सिक्योर फील करते हैं वहाँ पर। रशिया में एडमिशन प्रोसेस काफ़ी स्मूथली हो जाता है। एडमिशन लेटर से लेकर वीज़ा तक सारे प्रोसेस आपका इजीली हो जाता है। रशिया में जो एमबीबीएस का ड्यूरेशन टाइम है वो 6 इयर्स का है। इसमें 3 ईयर थ्योरिकल एंड 3 ईयर प्रैक्टिकल वर्क है। प्रैक्टिकल वर्क के लिए आपको हाईटेक लेबोरेटरी दी जाती है, प्लस आपको हॉस्पिटल विजिट के लिए भी भेजा जाता है। काफ़ी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बोलते हैं कि वहाँ पर रशियन लैंग्वेज यूज होती है, लेकिन रशियन लैंग्वेज ऑप्शनल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होता है जब वो हॉस्पिटल विजिट करता है या फिर वो रशिया से इंटर्नशिप करता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इंडिया में रहकर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, तो आपको MBBS अब्रॉड बहुत ही आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आई होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही है। आगे की मोर इन्फॉर्मेशन या अपडेट्स के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे की मोर क्वेरीज के लिए नीचे स्क्रीन में हमारे टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हो, और नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद अस।